chapter number 6, and today we will study about some prokaryotic cell structure. कुछ cell structures जो हमने पहले पढ़ी हैं, जैसे कि flagella, pili, slime, capsule और cell wall. ये structure तो थी कुछ bacteria में present है और कुछ में ये absent होती है. लेकिन आज जो हम structures पढ़ रहे हैं, that is the cell membrane. This is an essential structure for all living organism. चाहे वो कोई सेल प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सेल मेम्ब्रेन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाजमी कंपोनेंट होता है. इसी तरह एक प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन तमाम बैक्टीरिया के अंदर, तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन लाजमी तौर पर मौजूद होती है. दिस इज़ अ थिन, फ्लैक्सीबल एंड डेलीकेट लेयर. ये बहुत थिन होती है, फ्लैक्सीबल है और डेलीकेट है. अब अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर स्टीरोल्स यानी कि कोलेस्ट्रोल वगैरह मौजूद नहीं होते. एंड व्हाट आर द स्टीरोल्स? दिस इज़ द टाइप ऑफ द लिपिड. ये एक लिपिड की टाइप है. आपने, आपको जब याद होगा, हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 60 to 80% जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है, और 20 to 40% यूकैरियोटिक सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होते हैं. इन द सेम वे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मकदार में प्रोटीन मौजूद होती है, और लिपिड की भी कुछ मकदार मौजूद होती है. लेकिन लिपिड की ख़ास किस्म है स्टीरोल्स. वो सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स नहीं होते. तो आपको यहाँ पर बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन हैव स्टीरोल्स व्हाइल द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन लैक स्टीरोल्स. इट डू नॉट हैव स्टीरोल लाइक द कोलेस्ट्रोल. अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, तो आप यहाँ पे भी एक डिफरेंस लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन लैक स्टीरोल्स. एंड इट इज़ वेरी डेलीकेट स्ट्रक्चर एज आई मैंशन अर्लियर. अगर कोई भी डैमेज हो जाए सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल की डेथ हो जाती है. बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, रप्चर हो जाए. तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो मेडिसन हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको जब हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वो क्या करती हैं, वो बैक्टीरिया को कैसे किल करती हैं, वो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती हैं. और जब सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, तो बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है. नॉट टॉक अबाउट इट इज फंक्शन. बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं, क्या इसका पर्पस है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल. एज यू नो कि सेल मेम्ब्रेन जो है, दिस इज कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ द मटीरियल. ये चेक करती है कि सेल जो प्रोकैरियोटिक सेल है, एक बैक्टीरियल सेल है, उसके किन मटीरियल की ज़रूरत है. तो लिहाजा जो भी मटीरियल लाइक शुगर, वाटर, गैसेस, मॉलिक्यूल, मेटाबोलाइट्स, हॉर्मोन्स, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना, इनकी ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करना, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट हैव सम एंजाइम्स. ठीक है, इसके अंदर कुछ, इसके साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ जो पैक्ड होते हैं, मीजोसोम जिनको बोलते हैं स्ट्रक्चर को, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर सेल वेरियस फंक्शन. इट्स ऑल्सो हैव सम एंजाइम फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन. अब आपको पता है कि बेटा रिस्पायरेशन क्या प्रोसेस है. रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, तो एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलते हैं, जिसके जरिए तमाम ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. इन द सेम वे बैक्टीरिया को एनर्जी हासिल करने के लिए ग्लूकोज की मेटाबोलिज्म करनी पड़ती है, और इसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन. यूकैरियोटिक सेल में सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और प्रोकैरियोटिक में चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो इसमें वो एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर रिस्पायरेशन करवाते हैं. वो एंजाइम कहाँ पे अटैच होते हैं? दीज एंजाइम्स आर अटैच विद द सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, जो तमाम बैक्टीरियल सेल का लाजमी कॉम्पोनेंट है, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. उसको हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं. दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी सारा कुछ शामिल होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म भी शामिल है और जिसमें न्यूक्लियोइड यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल भी शामिल है, इन दोनों चीज़ों को कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म बोलते हैं. इसको सॉरी कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. और अगर प्रोटोप्लाज्म में से जेनेटिक मटेरियल को, जो है न्यूक्लियोइड को निकाल दिया जाए, तो जो पीछे बाकी डेंस लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर बचती है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. इज इट क्लियर? और बैक्टीरिया को जो साइटोप्लाज्म है, इट लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस. इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स लाइक साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूबुल्स, सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, ये मौजूद नहीं होती. साइटोप्लाज्म की
फंक्शन की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है इट प्ले रोल इन इन इट दिस हैव मैनी इंजाइम्स, इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शन करवाते हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन की इंजाइम है, जो डाइजेशन के इंजाइम है, वो सारे इंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन के साथ कुछ अटैच होते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड जो है बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है. चूँकि इसके प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए इसको हम न्यूक्लियस का नाम नहीं देते, इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं. इसके लिए हम और भी काफ़ी टर्म यूज़ करते हैं जैसे कि न्यूक्लियर बॉडी. इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियर रीजन और क्रोमैटिन बॉडी है. ठीक है, ये सारे डीएनए के ही नाम हैं, बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के ही नाम है. इसको न्यूक्लियस का नाम नहीं देते हम, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसको न्यूक्लियर बॉडी कहते हैं, न्यूक्लियर रीजन कहते हैं और क्रोमैटिन रीजन बोलते हैं. अच्छा जी, अब हम बात करें तो इसके अंदर प्रॉपर क्रोमोसोम्स नहीं होते. एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, डीएनए का सिंगल स्ट्रक्चर होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है. इट इज़ द सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. इट इज़ द सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट एग्रीगेटेड इन इरेगुलर शेप, जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती. और ये सेल बैक्टीरियल सेल के ज़्यादातर सेंटर में इसने एरिया ऑक्यूपाइड किया होता है. इट इज़ विजिबल इन अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, लेकिन उससे देखने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम इसको पहले स्टेन करें, इसको डाई करें. और इसको जिस स्टेन के साथ, जिस डाई के साथ कलर करते हैं उसका नाम है फ्यूलजिन स्ट्रेन. उसको हम बोलते हैं फ्यूलजिन स्ट्रेन. ये आपकी एमसीक्यू की बड़ी अहम लाइन है. फॉर वॉचिंग द बैक्टीरियल सेल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप वी स्टेन इट विद क्रिस्टल वॉयलेट, पिंक और फ्यूलजिन. तो हम इसको फ्यूलजिन के साथ स्ट्रेन करते हैं ताकि ये हमें नज़र आए. अगर हम बात करें, यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी बुक की येलो बॉक्स में, ई कोलाई एसेंशिया कोलाई जो एक बैक्टीरिया है इसकी न्यूक्लियोइड की लेंथ कितनी है. तो इसका न्यूक्लियोइड जो है, इसका डीएनए दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14,000 माइक्रोमीटर इन लेंथ. तो ये आपकी एमसीक्यू है, ये आपने अच्छी तरह इसको लर्न करना है. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड के फंक्शन की. तो ओबियसली बेटा न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियोइड जो है बैक्टीरिया का, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बैक्टीरियल सेल. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बड़ा सारा सर्कुलर डीएनए है, दिस इज द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम स्टडी करेंगे दैट इज द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होती. दिस इज एन एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियल सेल. एंड वॉट इज दिस, दिस इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर. दिस इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा हिस्सा होता है. दिस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा हिस्सा है जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, जो अपना नंबर इंक्रीज खुद से कर सकते हैं. अगर अभी जैसे मैंने कहा कि ये तमाम बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता, ये कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होता है, कुछ में मौजूद नहीं होता, तो ये बैक्टीरिया इसके बगैर भी सर्वाइव कर सकती हैं. और बैक्टीरिया की ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता. बैक्टीरिया इसके बगैर भी ग्रो करते हैं और अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. अगर ये नहीं इंपॉर्टेंट तो फिर इसके फंक्शंस क्या हैं, और जिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड मौजूद होते हैं उनको क्या फायदे होते हैं. प्लाज्मिड के ऊपर जैसे मैंने अभी बताया कि ये डीएनए है, और डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है जिनको हम जीन्स बोलते हैं. तो प्लाज्मिड के ऊपर भी इन द सेम वे कुछ जीन्स मौजूद होती हैं. और वो जीन्स किस चीज़ की होती हैं, वो ड्रग रेजिस्टेंस की जीन्स होती हैं, वो हैवी मेटल रेजिस्टेंस की जीन्स होती हैं, वो डिजीज रेजिस्टेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंस की जीन है. जिन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होता है वो बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं. व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि उन बैक्टीरिया को मेडिसन्स का असर जल्दी नहीं होता, वो मेडिसन्स हम जितनी भी लें उनसे वो सर्वाइव कर जाते हैं. इसके अलावा हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स जो होती हैं ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएँ तो वो नुकसान पहुँचाते हैं. लेकिन जिन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होगा उनके अंदर हैवी मेटल भी असर नहीं करेंगे. इसके अलावा ये प्लाज्मिड जो है वो इसको बैक्टीरिया को डिजीज रेजिस्टेंट भी बनाते हैं. जैसे आपको पता है कि कुछ वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं और उनको बीमारियां पैदा करते हैं, उनको लाइसिस कॉज करते हैं. इन अगर लेकिन जिन बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होगा उन बैक्टीरिया के अंदर वायरसेस बीमारियाँ पैदा नहीं कर सकेंगे. तो प्लाज्मिड के होने के बैक्टीरिया को बहुत सारे फायदे हैं. ये उनको रेजिस्टेंट बनाते हैं. ये किस किस चीज़ से रेजिस्टेंट बनाते हैं, ड्रग से, हैवी मेटल से, डिजीजेज से और इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं. ठीक है, तो ये आप प्लाज्मिड का ये देख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है. इसके अलावा प्लाज्मिड जो है आपकी बुक में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये एज अ वैक्टर यूज़ होते हैं. प्लाज्मिड आर यूजिंग एज अ वैक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग. इनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करवा के
ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो आर्टिफिशियली करेक्टर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी अगर बैक्टीरिया के अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद हैं, तो हम वो प्लाज्मेट को निकाल के सीड्स के अंदर, क्रॉप्स के सीड्स के अंदर डालेंगे, और उन क्रॉप्स को जब फसलें उगाएंगे तो वो फसलें जो होंगी वो इंसेक्ट्स रेजिस्टेंट होंगी, उनको कीड़े मकोड़े नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। तो ये एज अ वेक्टर यूज़ होते हैं इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर टुडे टॉपिक। ये आज हमने तीन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियेट और प्लाज्मिड के बारे में। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कुछ इनमें से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स इंशाल्लाह हम अपने कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।